अस्सलाम वालेकुम, PSL चाय ढाबा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान लखानी। और आज हम थोड़े से मुख्तलिफ पैनल के साथ मौजूद हैं। क्रिकेट तो डिस्कस करेंगे हम सिकंदर बख्त से, और हमारे साथ मौजूद है एक सियासी नाम इस बार, सिंध के मशहूर इत्तलात और सीनियर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। और जिस वेन्यू पे आज हम बैठे हैं, पीपल्स कॉम्प्लेक्स कराची में, ये जो इलाका है कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ये जो बना हुआ है खूबसूरत सा, एक ये कहें कि खूबसूरती में इजाफा करते हुए शहर की, उसको तैयार करने में भी इनका बड़ा अहम किरदार रहा है, और स्पोर्ट्स में भी बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स भी, PSL भी, तो शुरू करते हैं सिकु भाई आपकी इजाज़त से आज मुर्तज़ा वहाब साहब के साथ डिस्कस करेंगे। चाय भी होगी, गर्मा गर्म बातें भी होगी, और सियासी बातें तो नहीं होगी, सियासतदान से ज़रूर बातें होगी। तो मुर्तज़ा भाई, सियासतदान हम देख, मुझे मुझे इजाजत है शिकू भाई की तरह इस तरह बैठने की? आप सर जैसे बैठे स्टाइल से बैठे सर, आप माशाल्लाह। मुर्तज़ा भाई, सियासतदान भी क्रिकेट को वैसे ही फॉलो करते हैं जिस तरह आम आदमी कर रहा होता है, उतने ही इंथुजियास्ट होते हैं टीमों के बारे में, खासतौर पर PSL के बारे में, क्यों नहीं? मैं समझता हूँ क्रिकेट हमारी जो सोशल फैब्रिक है उसका बड़ा एक अहम हिस्सा है, और मैं समझता हूँ हर शख्स जिसने पाकिस्तान में टाइम गुजारा है, पला बढ़ा है यहाँ की सड़कों पर, उसने क्रिकेट खेली है, चाहे स्कूल के लेवल की हो, कॉलेज की हो, तो मैं भी उन पाकिस्तानियों में से हूँ, उन कराची वालों में से हूँ जिन्होंने कराची की गलियों में, सड़कों में, कराची के टंकी ग्राउंड्स में क्रिकेट खेली है, सीमेंट पे हो या क्या कहते थे उसको, मट्टी वाली जो पिचेज होती थी उसके ऊपर क्रिकेट खेली है, और बड़ा पैशनेटली खेलता था, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था और चाइनामैन बॉलिंग करता था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं पढ़ाई आड़े आ गई, हमारी वालदा ने कहा कि तालीम और क्रिकेट साथ चला सकते हो तो ठीक है। PSL की बात करते हैं, आप कराचीआइट हैं, कराची में रहते हैं, सपोर्ट कौन सी टीम को करते हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग में, कौन सी टीम आपकी अपनी फेवरेट टीम है? मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि मैं कराची वाला हूँ, तो कराची की जो टीम है हमारी वो बड़ी हमारे लिए अहम है, लेकिन मैं समझता हूँ जिस पैशन के साथ लाहौर कलंदर्स ने सिंस डे वन PSL को खेला है, PSL को ब्रांड बनाने में अपना किरदार अदा किया, राणा साहब ने जो अपना किरदार अदा किया, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ वो जो जो मोहब्बत चाहत क्रिकेट के हवाले से राणा साहब की आंखों में नज़र आती है, मैं समझता हूँ वो बड़ी कमेंडेबल चीज़ है। तो समवेयर आई एम टॉर्न बिटवीन कराची एंड लाहौर। जब मुल्क भर में ट्रायल्स कराए आपने, जिक्र किया प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, आप चाहेंगे कि कलंदर्स को आप अगर इसी प्लेटफॉर्म से इनवाइट करें कि कराची आके भी या सिंध में आके भी प्लेयर्स को तलाश करें और उनकी डेवलपमेंट के लिए किरदार अदा करें? बिल्कुल जी, लाहौर कलंदर जो है, कलंदर है लाल शहबाज कलंदर, सिंध लाल शहबाज कलंदर की धरती है, और राणा साहब जब पिछली मरतबा PSL कराची में हुआ था तो जब कराची तशरीफ लाए तो उन्होंने कलंदर पर हाज़िरी भी दी थी, तो मैं कलंदर की धरती से उनको दावत देना चाहूँगा कि आइए जो हमारे नौजवान हैं, हमारा टैलेंट है, उसको वो हंट करें, और अगर यहाँ पर कोई कैंप लगाना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी होगी। देखो भाई, कितना अहम होता है इस तरह के, जिस तरह लाहौर कलंदर का प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, नए प्लेयर्स को हंट करना, और हमारे पास हारिस रऊफ की मिसाल है जो बिल्कुल एशेज से उसका ये कह लें कि रोज फ्रॉम एशेज वाले उसकी कहानी है, दिलबर हुसैन एक और प्लेयर अब कलंदर के प्रोग्राम से आ गया है, कितना अहम होता है इस तरह का प्रोग्राम किसी भी प्लेयर के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं जिस चीज़ की पैदावार हूँ एज अ क्रिकेटर, आप तो खैर उस ज़माने में जैसे आपने बताया पैदल ही मुझे फील कर रहे हैं कि मैं बहुत पुराना हो गया हूँ। हमारे पास एक होती थी सिंध कोल्ट्स, राइट, साईं रजाउल्ला थे जो कि सक्कर से उनका ताल्लुक, कोल्ट्स, सिंध कोल्ट्स अंडर 16, इट वॉज लाइक अंडर 19, मैं था, जावेद मियादाद था उसमें, जो वहाँ से टेस्ट क्रिकेटर निकले, कासिम उमर निकला, मंसूर अख्तर निकला, उसके अलावा नासिर वली का, खालिद इर्तज़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, और देयर सो मेनी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। सिंध कोल्ट एग्जैक्टली वही करता था मगर छोटे पैमाने में था, साईं रजाउल्ला के पास अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, क्रिकेट का मतलब बहुत शौकीन था, तो हमें वो ले जाता था शिकारपुर, खैरपुर, क्वेटा, उसकी जो लिमिटेशंस थी वो उसके हिसाब से काम करता था, रोज़ाना नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस होती थी, और आज अगर मैं टेस्ट क्रिकेटर बनाऊँ आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ देम। वो ये इसी किस्म की चीज़ें होनी चाहिए, और मैं इसीलिए लाहौर कलंदर को इतना अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने 10 दफ़ा उनसे कहा, एक अजीब सा रूल बनाया हुआ था पुराने क्रिकेट बोर्ड ने, हालांकि उन्हीं का ये ब्रेन चाइल्ड है जो PSL, कि लाहौर की टीम लाहौर में ही रहेगी, वहाँ ट्रेनिंग करेगी और करेगी। मैंने कहा सर ये गलत, ये आपस की अंडरस्टैंडिंग थी बेसिकली फ्रेंचाइजेस की, अच्छा। के अपने अपने रीजन पे काम करें, हालांकि लाहौर कलंदर्स गिलगित भी गया, लाहौर कलंदर्स पेशावर जाके भी तरफ चले जाए, नॉर्थ में जाके भी काम किया, बट आना चाहिए था उनको। कासिम उमर कहाँ है अब?
कासिम उमर तबलीग में चले गए, अब मुझे नहीं पता कि वो इंग्लैंड में वो सेटल्ड हो गए थे, ही गॉट मैरिड इन इंग्लैंड, तो वहीं रहते थे, अब वो मुख्तलिफ जगहों पे वो मतलब एक तबलीग वगैरह वो करते हैं। बड़े अच्छे प्लेयर थे, डबल हंड्रेड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारी थी, बहुत अट्रैक्टिव क्रिकेटर थे, मेरी पॉपुलर। देखो अगर उस टाइम पे कासिम उमर आप सारे जब खेल रहे थे, अगर उस टाइम पे PSL होती तो फिर किस तरह का माहौल होता आप लोग के लिए, आप लोग क्या करते हैं? उस जमाने में छोटी फॉर्मेट की क्रिकेट नहीं थी ना, हमारे दौर में तो लंबी उठा के शॉट मारते थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जहीर अब्बास ने डांट लगा दी आसिफ इकबाल और जहीर अब्बास के साथ खेलते थे, ओए तुमने उठा के शॉट मारा, जमीन के साथ खेलो। आज वो सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए हैं, इनोवेशंस आ गई हैं। तो अब कैसा लगता है भाई, आप देखते हैं कि एक 40 दिन की क्रिकेट 45 दिन का टूर्नामेंट खेलकर 3-4 करोड़ एक प्लेयर को मिलते हैं, तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? और ऑफ कोर्स एक फैन फॉलोइंग भी बनी हुई है। पैसों की बात तो अलग है, उसको छोड़ देने, पहला मैच खेला था 1000 रुपए मुझे मिले थे आज तक मुझे याद है, तो मैंने गेट पर ही लिफाफा खोला तो 1000 का चेक था फर्स्ट टेस्ट मैच, तो आप सोचें उस जमाने में 1976 तो 1000 रुपए भी उस जमाने में बहुत थे, मगर उसकी मैं बात नहीं करूँगा, पैसा वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, असल चीज़ें जो ग्लैमर मिलता है, जो अब देखें ना आज़म खान अभी ये क्रिकेटर नहीं बना है, अभी ये माशाल्लाह से अच्छा खेल रहा है, मोइन का बेटा, एंड एवरीबडी नोज हिम बिकॉज ऑफ द PSL, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि, और मेरा पहला मैच था पाकिस्तान भुट्टो ट्रॉफी होती थी, भुट्टो ट्रॉफी बिटवीन श्रीलंका एंड पाकिस्तान, तो अंडर 19 की, तो मैं, मेरा कप्तान था मियादाद और हम लोग यहाँ लाहौर में 3-day मैच खेले थे, फाइनल था भाई, चाय भी पिए आप, तो उसमें जो था वो 3 दिन का मैच, हाँ ग्रीन टी, थैंक यू, तो वो 3 दिन का फाइनल भुट्टो ट्रॉफी का 3 दिन टीवी पे आया, जब मैं वापस आया तो लोग मुझे पहचानने लगे, अंडर 19 का था, लोग कई सिकंदर बोलते हैं राइट, तो टीवी पे मैच आना, ग्लैमर वो चीज़ है ना, अब मैं अभी आपके सामने मिसाल है आज़म खान के और दूसरे बच्चों की जो अभी स्टार नहीं बने पाकिस्तान, लाइफ चेंज कर रही है PSL तमाम पे। मतलब कराची में भी इस बार मैचेस हैं, लाहौर में, दो शहरों तक मैच नहीं, इस दफ़ा क्या पहले नहीं थे, पहले भी थे ज़्यादा मैचेस, हम तो क्रेडिट लेते हैं कि कराची से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और PSL की पाकिस्तान में जो वापसी हुई, जो ग्लैमर की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फील करता है, कनेक्टेड फील करता था, वो कराची से नेशनल स्टेडियम कराची से वापस स्टार्ट हुआ। आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अरेंजमेंट सारे होते हैं, तो इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व होती है, क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व होता है, कितना बड़ा चैलेंज होता है ये तमाम चीज़ों को मैनेज करना, स्ट्रीम लाइन करना और एक पेज पर होकर इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, गवर्नमेंट इसमें कितना चैलेंज होता है? ये जब क्रिकेट वापस आई तो आई थिंक जो पहले कुछ इवेंट्स थे उसमें नेचुरली हिकअप्स थे, क्योंकि इतने अरसे बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान वापस आ रही थी, इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आ रहे थे, तो वो हिकअप्स आते हैं, टीदिंग इश्यूज होते हैं आपको समझने में, बट मैं समझता हूँ कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ने, PCB ने बड़े अच्छे तरीके से काम किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने ख़ुद मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान किया चेयरमैन PCB को, तो मैं समझता हूँ वो जो कंप्लीट ओनरशिप थी गवर्नमेंट की, PCB ने मिलकर कोलैबोरेट किया और वो इवेंचुअली एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट हुई, जिससे मैं समझता हूँ जो अच्छी चीज़ है वो हमारे शहर का पॉजिटिव इमेज, हमारे मुल्क का पॉजिटिव इमेज दुनिया भर के सामने गया। जब आप ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कराची के एक ऐसे पुराने एरिया में बैठे हैं जहाँ पर शायद कोई जानना तसव्वुर नहीं कर सकता था आज से कुछ 6-8 महीने पहले, लेकिन आज देखें आपके कैमराज, आपका पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, शिकू भाई आए हुए, मैं आया हूँ, और आप देख रहे हैं कि उस गुंजान आबाद इलाके में एक अच्छी जगह क्रिएट की कर दी गई, और ये TV प्रोग्राम जो है आपका, ये उसको फर्दर प्रोजेक्ट करने में अपना किरदार अदा करेगा, वो ग्लैमर आएगा, तो मैं समझता हूँ मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करने में अपना किरदार अदा करता है, एंड विद द राइट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन मैं समझता हूँ कि हम अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का वो जो मुस्बत इमेज है जो कहीं ना कहीं पिछले 18-20 साल में खो गया था, हम उसको उस्तवार करने की कोशिश कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ है मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए कि दुनिया से लोग आ रहे हैं, प्लेयर्स आ रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि व्हाट अ फैंटास्टिक कंट्री वी हैव। मैं एक सवाल कर सकता हूँ? सिक्को भाई आप सवाल जरूर कीजिएगा, लेकिन हम पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेंगे और चाय का सिलसिला भी जारी है और गर्मा गर्म बातें भी जारी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद चीज़ें डिस्कस करेंगे और सिक्को भाई का सवाल भी लेंगे। वेलकम बैक, PSL चाय ढाबा पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बातचीत हो रही है सिंध के सीनियर रहनुमा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब साहब से और क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब से। सिक्कू भाई आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ पूछना चाह रहे थोड़ा सा ऐसी सवाल है आप, मैं ये पूछ रहा था जब आप लोग यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो मुझे कभी कभार ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि जो
फेडरल गवर्नमेंट है वो आपके अच्छे कामों को अप्रिशिएट नहीं कर रही होती, थोड़ा सा ये हम सियासत की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा इंसान है ही सियासत का, थोड़ा सा इनके मौजूदगी का मुझे एक सी फीलिंग सी आई एक दो दफ़ा ना कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कि थोड़ा सा टकरार सी हो रही थी, उन्होंने कहा जी ये तो उनका है हम नहीं कुछ करेंगे, मतलब समथिंग लाइक दैट। मैं समझता हूँ ये एक्रिमोनियस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, मैं समझता हूँ तमाम गवर्नमेंट्स को मिलकर आवाम की भला के लिए काम करना चाहिए, और अगर हम अच्छा काम करें हमें अप्रिशिएट करें, वो अच्छा काम करें हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, मिलकर मैं समझता हूँ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। इट्स फॉर पाकिस्तान बिल्कुल इट्स फॉर पाकिस्तान। एक पहले जब पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही थी उस वक्त एक चैलेंज था सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी को तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया है और बिल्कुल स्मूथ हो गई अब सारी चीज़ें। अब एक नया चैलेंज आ गया जिसको हम नाम दे रहे हैं बायो सिक्योर बबल का, कोविड की वजह से खिलाड़ियों को बचा के रखना, स्प्रेड से बचाना और उनकी पब्लिक इंटरेक्शन कम रखना, ये भी एक चैलेंज में इजाफा होता जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। चैलेंज में बिल्कुल इजाफा होगा और अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि आई थिंक 50% कैपेसिटी पे स्टेडियम में 20% कैपेसिटी पे स्पेक्टेटर्स को आने की इजाज़त होगी, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर थोड़ा सा शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि वो मास्क वगैरह पहने, ताकि ये जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ये पोस्ट कोविड इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसमें हमको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मैं समझता हूँ अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। बट जब हम टेररिज्म को या सिक्योरिटी के इशू को काउंटर कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको किया जा सकता है, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। और अभी पिछले दिनों साउथ अफ्रीकन टीम आई थी कराची में, थी पिंडी में खेला मैच, तो माशाल्लाह कोविड की मौजूदगी में कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, तो दैट शोज़ कि क्रिकेटर्स के अंदर भी वो अडेप्टेबिलिटी आ रही है। अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट हमारे मुल्क में वापस आ गई है, वो कामयाबी का सिलसिला वापस जारी हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कामयाबी और खुशियों का सफ़र है ये इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। वापस क्रिकेट पर आते हैं, पसंदीदा प्लेयर आपका कौन सा है, जो प्लेयर आप चाहेंगे कि आप पर्सनली फॉलो करते हैं और आपको खुशी होगी अगर वो एक्सेल करे? लेफ्ट हैंडर तो नहीं कोई? मैं वसीम अकरम का बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं समझता हूँ एवरी थिंग अबाउट वसीम अकरम वॉज जस्ट फैंटास्टिक, उसका बॉलिंग एक्शन, उसकी बैटिंग, आप मुझसे पूछ लें वसीम अकरम के रिकॉर्ड के बारे में कि कब जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें 257 मारी, किस नंबर पर बैटिंग की, 12 छक्के लगाए, टेस्ट मैच में कितनी विकटें ली, न्यूजीलैंड में कितनी विकटें ली थीं, जब वो वकार यूनुस वसीम अकरम की रिबेलियन वाला एक फेज़ आया था तो वसीम अकरम साहब को कप्तानी से हटा दिया, ही वेंट टू न्यूजीलैंड, टू 26 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस। तो मैं वसीम अकरम का भाई डेटा अहम है बहुत ज़्यादा, और बैटिंग में मैं समझता हूँ सईद अनवर। मैं देखा मैंने क्या कहा था, सईद अनवर मैं उनकी जो 194 की जो इनिंग्स थी या 188 जो कैलकटा में उन्होंने टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ स्कोर किए थे, मतलब सईद अनवर साहब जैसा मैं समझता हूँ वो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिकेट में सियासत होती है ना उसने लोगों के करियर्स को बड़ा मुतासर किया। आई थिंक सईद अनवर कुड हैव प्लेड फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, कुड हैव स्टार्टेड अर्लियर, एंड एक ज़माना था जब वो और सचिन बिल्कुल नेक टू नेक थे सेंचुरीज में, मैं समझता हूँ वही बहुत बड़े प्लेयर थे। मुझे समझ, आपने बताया आपको भी क्रिकेट का शौक रहा है, आपने खेली भी है, पढ़ाई की वजह से आप उसको आगे नहीं कंटिन्यू कर सके, बट अगर आज के प्लेयर तमाम देखें जो PSL में एक्टिव है, कौन सा प्लेयर है जो मुर्तजा वहाब हो सकता था सियासत में? नहीं नहीं क्रिकेट आप चाहते कि यार मुर्तजा वहाब इसकी जगह हो सकता था आज क्या क्रिकेट क्रिकेट खेलने का शौक इतना है कि भाई खेलने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए दैट इज गुड इनफ। कोविड से पहले कहीं हम देखते थे बल्ला बॉल पड़ी हुई है कोई खेल रहा है तो जाके खेल लेते थे। चीफ मिनिस्टर साहब जो है मुराद अली शाह साहब जो है वो भी क्रिकेट के बड़े जी जी, मैंने खुद उनके साथ एक भाई आप अपने जमाने के माशाल्लाह बड़े नहीं है, अपने जमाने आप क्या कह रहे हैं बार बार ये तो ऐसे ना आपने सिक्कू भाई अगर आप आज के फास्ट बॉलर होते हैं और आपके सामने बाबर आजम खेल रहा होता, बाबर आजम को आप कैसे आउट करते? ये देखो जब मैं ये T20 के मैचेस देख रहा होता हूँ ना, मैं उस दिन भी ये जिक्र कर रहा था कि टीवी बैठा देख रहा होता हूँ, मैं सोच रहा था यार मैं कैसे गेंद करूँगा। हाँ, इसलिए कि हमने तनकीद तो हम वैसे तो करते ना तजिया और तनकीद, लेकिन अगर आप खेल रहे होते बाबर आजम आपके सामने होता आप क्या कौन सी गेंद करते? मैं तो बिलीव करता हूँ कि बेसिक्स पे जाना चाहिए आपको, जब आपके सामने बहुत ही अच्छा प्लेयर हो तो बेसिक्स ये होती है विद इन द स्टंप्स, स्टंप्स के बीच में जरूर रखो, राइट विद इन द स्टंप्स आप बॉल कराओ और एक लिमिट में रह के कराओ, डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट इट कि जी आपके हाथ में बॉल है और मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, वो नहीं,
इस T20 के अंदर यू हैव टू बी वेरी सेंसिबल और विद इन द स्टम्प्स. ये मेरी थ्योरी है बेसिक्स की. और मैं हमेशा बैठ के देख रहा होता हूँ कि यार ये खेल रहा है, मैं इसको कैसे गेंद करा था. जब ये पलट जाता है और पलट के स्कूप कर देता है तो मैं क्या करता. मैं काफ़ी दफ़ा सोचता हूँ हमारे ज़माने में तो ये इमेजन ही नहीं थी. टेक्स्ट बुक क्रिकेट खेलते थे. हाँ, तस्वर ही नहीं था. मैंने सुना है कि हनीफ भाई T20 में बंद कर देते थे टीवी के महरूम, अल्लाह उनकी मक़बूल फरमाए, कि मैं नहीं देख सकता. वाकई वो ऐसी मतलब अमेजिंग किस्म की क्रिकेट होती है. ये मैं नहीं कह रहा कि ख़राब होती है, इट्स अमेजिंग. और इनोवेशंस तो आती रहेंगे, तो वक्त के साथ साथ बदलते रहेंगे. लेकिन अब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बैट्समैन फ्रेंडली हो गई क्रिकेट बॉलर्स के लिए? हाँ, ये बहुत तो कम हमारे दौर में भी हो गई थी कि दो से ज़्यादा बाउंसर नहीं मार सकते, एक ऊपर हो गई, नहीं बस अब आपने एक करा दी, अब से ज़्यादा नहीं मार सकते. ये तो होता है. और बैट्समैनों के बल्ले, जिनके लेफ्ट हैंडर बैट्समैनों के बल्ले इतने मोटे मोटे ब्लेड हो गए. हमारे दौर में इतनी पतली होते थे ब्लेड. ग्रेनिकल्स का बल्ला होता था, इतना सा ब्लेड होता. अब इतने मोटे मोटे ब्लेड्स हो गए. तो बिल्कुल सारी चीज़ें जो है ना, उसके बहुत बहुत चीज़ें बदल गई है. गर्मा गर्म चाय भी चल रही है और गर्मा गर्म बातें भी सिक्क भाई और मुर्तजा भाई से चल रही है. यहाँ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके बातों के सिलसिले को जारी रखते हैं. जी वेलकम बैक. और बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं. ब्रेक पर जाने से पहले सिक्कू भाई कह रहे थे क्रिकेट बड़ी बैट्समैन फ्रेंडली हो गई है. अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं मुर्तजा भाई, सिक्योरिटी भी बड़ी फ्रेंडली ज़रूरी होती है कि मैचेस हो और उसमें स्पेक्टेटर्स और शहर स्पेक्टेटर्स आए तो उनके लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और दीगर शहरी जो अपने रूटीन के काम कर रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो. तो इसको स्मूथ बनाने के लिए और पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए आप समझते हैं कितने और स्टेप्स लेने ज़रूरी होंगे? ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया, क्योंकि अभी साउथ अफ्रीकन टीम जब आई हुई थी तो लोगों को दिक्कत का सामना हुआ. और जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो एक तरफ, लेकिन जो वैसे इतना क्रिकेट को फॉलो नहीं करते वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि जी ये क्यों इस तरह हो रहा है. तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है. ये सिर्फ क्रिकेट का मामला नहीं है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव का मामला है कि दुनिया भर में आप पाकिस्तान की क्या इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो वो इमेज पोर्ट्रे करने के लिए सिक्योरिटी जो है, मैं समझता हूँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट उंचर है और दुनिया भर के अंदर अब इसकी एक रेलेवेंस है. लेकिन ये बात ज़रूरी है और अहम है कि सिक्योरिटी फ्रेंडली होनी चाहिए. लोगों को जो परेशानी है उसको मिटिगेट करने की ज़रूरत है. तो एज ए सेड हम इवॉल्व कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो होपफुली माजी की गलतियों से सीख रहे हैं और इंशाल्लाह जो अब की बार ये PSL होगा इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को बेहतर बनाएंगे ताकि लोगों को उस लेवल की डिफ़िकल्टीज़ ना हो पाए. एक एलिमेंट ये भी है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान में क्रिकेट हुई नहीं, तो ऑफ कोर्स सिक्योरिटी ऑफिशल्स को भी उतना उस ये कह लें कि आदत वाली नहीं रही है या उसमें अभी स्ट्रीमलाइन नहीं हुई चीज़, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होगी, वो होगी तो और बेहतर होती रहेगी. जब आदत हो जाएगी एक अरेंजमेंट की तो फिर वो एक रूटीन में आ जाएगा. खैर सिक्योरिटी भी होती रहेगी. सिक्कू भाई PSL 6 की बात करते हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लगता है कौन सी दो टीमें इस बार? मैं थोड़ा सा कराची को सपोर्ट करता हूँ, कराची के लड़कों को. तो कराची के लड़के यानी क्वेटा ग्लैडिएटर्स. हाँ, ऑनेस्टली मैं मतलब बिल्कुल देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस साल जो हो रही है ना वो ये हो रही है कि मुझे इंटीरियर सिन से लड़के मिल रहे हैं. हाँ, मेरे दौर में हम बड़े कोशिश करते थे कि इंटीरियर सिन में से लड़के निकलें. इसमें देखें नुमान आ गया, हसनैन आ गया हैदराबाद से, शर्जील आया था हैदराबाद से, उसके बाद उसके बाद मैं शर्जील किस टीम में आपकी बात? शर्जील कराची. अच्छा, उसके बाद अब जाहिद महमूद एक लड़का है दादू. अच्छा, और अभी पिशावर जर्मी में है ना वो एक धानी मुल्तान सुल्तान, वो सिंध का लड़का है, एक मोहम्मद उमर है वो सिंध का. मुझे बड़ी खुशी होती है इसलिए कि मैं सिंध में बहुत गया हूँ. मैं जिस बैंक में था हमने पूरे सिंध का दौरा किया था, सारे ग्राउंड्स पे गए थे. यहाँ पे सर मैं एक बात रुकूंगा, इस प्रोग्राम में नहीं कहना चाहिए, प्लीज़ थोड़े से ग्राउंड्स को बेहतर करवा दें. बिल्कुल. मैं अभी मकली गया था लास्ट वीक गया था, वो बच्चों ने मुझे इनवाइट किया था, मैं अपने फैमिली के साथ गया था. ऑन अ लाइटर नोट, मकली क्रिकेट ग्राउंड MCG है. हाँ, MCG. हाँ, मकली क्रिकेट ग्राउंड. पहली बार आ गया. अब यहाँ अगर बात आ गई, अब क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये बड़ी, अभी जो चिकू भाई सिंध के टैलेंट के लिए बात कर रहे थे ये बड़ी अहम है. और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लोग भी सिलेक्टर्स हैं उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर टैलेंट मौजूद है उसको आप कैसे नर्चर करें. और मैं समझता हूँ बड़ा मेजर ओनर जो है वो मिसबाहुल हक के ऊपर आता है. उसकी वजह है कि मिसबाहुल हक खुद इस सिस्टम का अफेक्टी था कि उसको इतने अरसे तक पाकिस्तानी टीम में वो आ नहीं पाया. अच्छा, राइट, क्योंकि वो मौका उनको लेट मिला. मौका लेट मिला. तो मैं समझता हूँ ओनस मिसबाहुल हक साहब के ऊपर है कि वो जो उनके साथ हुआ वो और लोगों के साथ ना हो. वो सही टाइम पे 17, 18, 19 साल, 20 साल की उम्र में वो जो टैलेंट को आप कैप्चर कर लें. तो मैं समझता हूँ जैसे अभी नुमान ने बॉलिंग की,
एट द एज ऑफ 34 अगर वो ये बॉलिंग कर रहा है, अगर फवाद आलम एट द एज ऑफ 34-35 इस लेवल की बैटिंग कर रहा है, तो सोचें 20 साल की उम्र में क्या काम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ओनर्स क्रिकेट मैनेजमेंट के ऊपर है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो माजी में खुद मुतासर हुए उन चीज़ों से, कि वो मेक श्योर करें कि टैलेंट जो है वो अपने पोटेंशियल तक पहुंचे और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अमेंडमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स क्योंकि प्रोविंशियल एक टॉपिक हो गया, आप समझते हैं कि सिंध गवर्नमेंट भी ये जैसे प्लेयर्स हो गए, नुमान हो गए, शाहनवाज जानी हो गए, जाहिद महमूद हो गए, हसनैन हो गए, शर्जिल हो गए, ये सिंध को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको एज रोल मॉडल प्ले प्रेजेंट करने में सिंध गवर्नमेंट भी अपना किरदार अदा कर सकती है अपनी मुख्तलिफ मुहिम में, मुख्तलिफ तशरी मुहिम हो जाए या पब्लिक अवेयरनेस मुहिम हो जाए, अगर उसमें इन लोगों का भी साथ लेके चले तो एक और इनको प्रोडक्ट बनाने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आज आपके चैनल के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इन क्रिकेटर्स के साथ हम डील करते हैं कि PSL के मैचेस के दौरान लेट्स क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ एन अवेयरनेस कैंपेन कि किस तरीके से ये लोग रोल मॉडल बन सके, और हम लेट्स से कराची के अंदर मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर लें आपके कैमरे के साथ, और हम चीज़ों को ऑन करें, इन प्लेयर्स को भी ऑन करें, प्लेयर्स जो हैं जो डेवलपमेंट है उसको ऑन करें, और हम उस मुस्बित चीज़ को उजागर कर सकें। लेकिन जो आपने कहा ना 18th अमेंडमेंट के बाद स्पोर्ट्स डिवॉल्व हो गया, PCB आज भी इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मतलब किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, और मैं समझता हूँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, PCB के अंदर तमाम सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होनी चाहिए ताकि वो सूबे भी अपना इनपुट PCB में दे सके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें आप जो इंप्रूवमेंट की बात करें उसके लिए मैं एक छोटा सा प्लीज ऑन माइंड कि आप अगर अपने सिंध के कुछ ग्राउंड्स को डेवलप कर लें और फिर यही लड़कों को हम लेके उन ग्राउंड्स पे जाएं तो यकीन करें, मैं अभी गया था ना छठा, 1000 बच्चा आ गया था देखने के लिए, मैं कौन कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा करता हूँ ना, इस प्रोग्राम का फायदा उठाता हूँ, संगम क्रिकेट ग्राउंड पे सिक्कू भाई ने क्रिकेट खेली है, इनका बचपन का ग्राउंड रहा है, तो ऐसा करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उस ग्राउंड के ऊपर काम करते हैं, और मैं इंतजामिया से बात करके कोई ना कोई लेजोन इनका कराता हूँ कि उस ग्राउंड को वापस डेवलप किया जाए। आपके लिए भी और हम सबके लिए भी मिलके काम करते हैं जी। देखें ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैंने वहाँ से एक पाई अगर कमाऊँ तो कुछ भी नहीं, मैं तो वहाँ के बच्चों के लिए और एक ग्राउंड अवेलेबल बहुत अच्छी घुमाने के लिए वो ऐसा करेंगे, फिर क्रिकेट खेलेंगे, और क्रिकेट खेलेंगे हम जावेद निहारी पे जाके निहारी खाएंगे। क्या बात है सर, वो क्या बात है, बस चलते चलते निहारी भी हम खाएंगे, निहारी का भी एक और शो कर लेंगे। लेकिन मसरूफ जिंदगी तो होती है सियासतदान की, लेकिन PSL का कोई ऐसा मैच जो आप कहेंगे कि यार सारी सियासत साइड पे ये मैच जरूर देखना है? मैं PSL के मैचेस देखता हूँ क्योंकि यूजुअली जो रात के मैचेस होते हैं तो वो खाने का टाइम हमारा होता है तो हम मैच देख लेते हैं। कराची में जब मैचेस हो रहे थे तो मैं 2-3 मैचेस देखने के लिए भी गया, तो क्रिकेट तो मैं समझता हूँ यू कांट प्रेडिक्ट कि कौन सा मैच कितना अच्छा होगा, कोई भी मैच अच्छा हो सकता है। और अच्छे प्लेयर है जिसको देखने के लिए आप उठ के बैठ जाएंगे, नहीं मैं तो इसको देखना है, छोड़ दो सारा काम, मैं इसको देखना है। मैं बड़े जैसे शर्जील का मैं समझता हूँ बड़ी ग्लैमरस बैटिंग है उसकी, मज़ा आता है उसको देखने में, बाबर आजम को देखने में मज़ा आता है। जब तक सरफराज कप्तान नहीं बना था और वो एक ऑर्डिनरी प्लेयर था तो उसके अंदर जो अग्रेशन था उसकी बैटिंग में वो भी देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो मैं शौकीन हूँ अग्रेसिव क्रिकेट का, जिसमें अग्रेसिव बैटिंग हो, अग्रेसिव बॉलिंग हो, अच्छी क्रिकेट हो, वो देखते हैं हमेशा अच्छी क्रिकेट हो। सिक्कू भाई चलते चलते आप बताएं, आप कौन सा ऐसा मैच है जो आप बड़े शौक से मुंतजर होंगे देखने? मैं तो सारे देखने पड़ते हैं, बतौर एनालिस्ट और बतौर कमेंटेटर तो आपको सारे मैचेस देखते हैं, लेकिन जाती तौर पर जिस मैच को आप बड़ा मैं उस मैच में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ जिसमें फास्ट बॉलर्स हों, एज अ फास्ट बॉलर मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि कोई एग्रेसिव किस्म के फास्ट बॉलर्स हों, आए बाउंसर्स कर रहे हो, यू नो आंखों का हसन अली के कमबैक के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बॉलिंग के पहले मैच के बाद मैंने अग्रेसिव बॉलिंग मैं अगले पहले मैच के बाद मैंने कहा था कि वो इतना जोर नहीं लगाया, उसने जान नहीं लगाई, मगर उसने नेक्स्ट मैच में आके वाकई आउटस्टैंडिंग, एक स्पेल 6 बॉलों का उसने पूरी जबरदस्त पूरी पूरी पूरा मैच पलट दिया। तो इसी पे इसी एंड पे कि पाकिस्तान में क्रिकेट और तरक्की करे और PSL के मैचेस होते रहे, फैंस को भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, और जिस तरह हमारे दोनों गेस्ट ख्वाहिश रखते हैं कि एग्रेसिव क्रिकेट हो, तो अच्छा मुकाबला हो, तगड़ी क्रिकेट हो और खिलाड़ी इंजॉय करें, फैंस इंजॉय करें। तो PSL चाय ढाबे के इस एपिसोड से अल्लाह हाफ़िज़।